हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और हमेशा की तरह बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं जो बोल रही हूँ उसमें मुझे दो टॉपिक्स और दिमाग में आए हैं, इसलिए मैं उठ नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट वीडियो बनाती जा रही हूँ। तो आप मेरी बात को समझिए जो मैं आप बोलना चाहती हूँ। मैंने जो भी लोग, जो मेरा टाइटल है, जो भी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली, उन पर कोई अटैक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों की कॉल से ही, आप लोगों के बातों से ही पता चलता है और आसपास के माहौल को देखकर पता चलता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है और क्या पुअर मेंटालिटी है, क्या पुअर साइकोलॉजी है आप लोगों की, किस पैमाने से आप तोलते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पर, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि आप बहुत बड़े मास्टर प्लानर हैं, या आप अपने आप को ये सोचें कि मैं तो बहुत बड़ा फ़कर हूँ, कि मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे मिसयूज़ कर सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मेरी तो प्लानिंग बड़ी ख़तरनाक होती है, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ। देखिए, सबसे बड़ा जो मास्टर प्लानर है वो ईश्वर होता है। और जब कहा जाता है ना, ईश्वर की जब लाठी पड़ती है तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता, तो वही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। रिलेशनशिप में जो धोखे देते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनती हूँ कि लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं, झूठे दिखावे के लिए, झूठे प्यार को मान के परिकाष्ठा पे पड़े हुए हैं कि प्रेम करते हैं, हमें हो गया, क्या करें, इस तरह के डायलॉग सेंटिमेंट्स को मिसयूज़ करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आप बाहर मज़े करके आए और आप अपने घर पे जाके अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को जाके आप बोल देंगे कि हम यार ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा, मेरे सर दर्द हो रहा है, और वो बेचारा आपका सर दबाने पे लगा पड़ा है, आपको दवाई दे रहा है, या आपकी बीवी आपको और ज़्यादा आपकी एक्स्ट्रा केयर कर रही है कि मेरे पति की आज तबीयत ठीक नहीं है, और आप अंदर अंदर खुश हो रहे हैं, देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने तो उसे उल्लू बना दिया, तो ये सब अच्छा नहीं है। एक मैं स्टोरी बताऊँगी, मुझे एक लड़की ने, लड़के कहते हैं ना, मैं हमेशा लड़कों को बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं लड़कियों के लिए भी बोलूँगी। इनफैक्ट मुझे लड़कियों पर और ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं आता, तो वो क्यों सोचती हैं ऐसा। एक लड़की जिसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, एक लड़का भी हो गया, बहुत खुशी है, अभी मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है, आई डोंट नो, लेकिन उसने मुझे बहुत पहले कॉल किया और मुझे बताया, तो मुझे लगा कि शायद वो गिल्ट फील कर रही है, तो मैंने उसे बताने की, उसे समझाने की कोशिश की कि ठीक है, अभी सुधर जाओ। उसका हस्बैंड है, अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा डेजिग्नेशन है, उसका घर है, बच्चा भी हो गया है छोटा सा, खुद अच्छी दिखती है, यंग है, लेकिन उसके बाद कोई पुराना दोस्त जिसने कभी अपने भाव प्रकट नहीं किए थे, और शादी के बाद वो अपने बच्चे के होने के बाद जब अपनी मम्मी के घर गई, तो उस टाइम पे पता नहीं कैसे वो अकेले मिल गए और उसने अपनी बातें बता दी, तो कहती फिर हमने ड्रिंक कर ली, ऐसे ही पी लिया हमने, और उसके बाद फिर हम पता नहीं कैसे हो गया मैम, बड़ा अजीब था, तो मैंने कहा तुम्हें बहुत बुरा लगा था, तो बोली नहीं मैम मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड के साथ सेटिस्फाइड नहीं थी तुम, तो वो कहती है कि नहीं मैम मैं थी, मेरे हस्बैंड से मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, किसी की कोई कमी, मतलब उसने बहुत देर तक अपने हस्बैंड की मुझसे तारीफ की कि बहुत बहुत मुझसे प्यार करते हैं, बहुत ये करते हैं, और मैं, लेकिन उसके साथ हो गया तो अब मेरा मन नहीं करता, मेरा अपने हस्बैंड के साथ कुछ करने का मन नहीं करता, मैं उसके साथ अफेयर चला रही हूँ, मेरा एक डेढ़ साल से अफेयर चल रहा है उसके साथ, मैं उससे मिलती हूँ तब से मैं अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते नहीं बना रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ बहाना मार देती हूँ, कभी बच्चे का, कभी अपने सर दर्द का, कभी भी कुछ भी, और मेरा हस्बैंड हमेशा मेरी केयर करता है और हमेशा मेरे मुझे ख्याल रखते हैं, वो कभी मुझे बोलते हैं आप सोचिए इसमें। मैंने कहा फिर तुम्हारे हस्बैंड का तो कहीं बाहर नहीं चला? नहीं मैम, वो तो सब टाइम पर आते हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा तुम्हें उनका नहीं पता, मतलब तुम्हारा उनको नहीं पता तो क्या हो सकता है तुम्हें उनका ना पता? तो बोली कि ऐसा नहीं हो सकता मैम, मुझे विश्वास है, उनको विश्वास तो उनको भी है, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कैसे नहीं हो सकता भी? जब एक अच्छे इंसान का विश्वास टूटता है ना, तो वो कभी किसी दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पाता है। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम एक जिद में है, क्योंकि उस लड़को कहती है कि उस लड़के की अब शादी हो रही है, और वो कह रहा है कि मैं अभी प्रेशर में आके शादी कर रहा हूँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा, और लेकिन अभी मेरे साथ कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है उसका, क्योंकि मैं उसके पास जाना नहीं चाहती, मैं अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे अफेयर रखना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों रखना चाहती हूँ? क्या तुम उससे
प्यार मिल रहा है, नहीं पता, बस बस कुछ मिलता है, सुकून मिलता है, सेक्स में मजे आते हैं। ग्रेट, आपका जो आधार है उस रिश्ते का वो सेक्स, और उसके बाद आपको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो मैं तो कहूँगी ऐसे एक मझधार में तो मत रहिए, कम से कम अगर आप है तो अपने हस्बैंड को बता दीजिए ओपनली और उसी लड़के के साथ शादी करके रहिए मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंपल्शन नहीं है कि आप उसी के साथ, इतने ही वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें पता है तुम्हें अनजाने में कितना हर्ट कर रही हो, और उस जिस दिन उस इंसान को इस रियलिटी का पता चलेगा कि तुम इस बात की वजह से इतना परेशान रहती हो क्योंकि तुम्हें दूसरे इंसान के साथ सेक्स करना नहीं मिल रहा, तो कितना टूट जाएगा वो। ऐसे बहुत सारे केसेस, ये तो मेरे केस अभी दिमाग में आ गया, बहुत सारे, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसका वो प्यार फिर अब उसमें बदल गया। तब तो चलो सेक्स की भी भावना थी, फिर मैं बर्बाद कर दूंगी, देखना इसे एक्सपोज कर दूंगी, ये फोटो दिखा दूंगी इसकी बुढ़ी को, ये कर दूंगी। मैंने कहा भाई पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, जो इतनी कमज़ोर हो और इतनी दिमाग से यूज़ ही ना करना चाहती हो अपना, तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती। तो देखिए ऐसा मत करिए, क्योंकि जब आप किसी को धोखा देते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आप एक अगले, आप किसी और को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपको एक ऐसा धक्का मिलने वाला है आगे जाके जिससे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अपने पार्टनर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो किसी को चीट करने से अच्छा है उसके साथ रिलेशन ब्रेक कर लो, सेपरेट हो जाओ, डिवोर्स ले लो, लेकिन धोखा मत दो। अगर आप किसी के साथ फिजिकली सेटिस्फाइड भी नहीं हो, देखो फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन आप उस पहले प्रेम को नहीं समझ पा रहे तो एक दूसरे को फिजिकल सेटिस्फाइड कभी कर ही नहीं सकते। ये मेरा मानना है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बिना फीलिंग्स के मैं तो किसी के साथ नहीं कर सकती। जब हमें पूरी फीलिंग्स होती हैं, पूरा अंदर से वो समर्पण भावना होती है और बहुत प्रेम अंदर से आ रहा होता है, तो उस इंसान के साथ नेचुरली आपको साथ रहने का मन करेगा, उसके साथ फीलिंग है। ऐसे किसी के साथ फीलिंग कैसे आ सकती है, और आती हैं तो आप उसके साथ सेपरेट होइए ना। और आपसे अनजाने में गलती हो तो कम से कम रियलाइजेशन तो करिए, बट आपको तो रियलाइज ही नहीं हो रहा, आप तो बस किसी से बदला लेने के भावना में या किसी को धोखा देने की भावना में ही लगे पड़े हैं। तो मेरा तो एक इसी वीडियो का यही माध्यम है, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। ऐसे ही एक इंसान आदमी थे, उन्होंने मुझे यही बोला, मैंने बीवी के साथ भी खुश रखता हूँ, ये भी रखता हूँ, मैंने आपको बताया, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। धोखा किसी भी तरह का धोखा होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी बीवी को खुश रख रहे हैं और बाहर भी इस चला लेंगे, तो वो सब अच्छा नहीं है, मेरे नज़रों में तो अच्छा नहीं है। बाकी आप जो करते हैं वो करते रहिए, लेकिन आपको जिस दिन ये रियलाइज़ होगा और वो जो आपको सज़ा मिलेगी ना, वो बहुत बुरी होगी, और किस रूप में आपको मिलेगी ये कोई नहीं जानता। ईश्वर आपको लेकिन उसकी सज़ा ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे कर्मों का अच्छा बुरा फल नहीं मिलता है, और ज़रूर मिलेगा, और वो आपके अगले जन्म तक आपके साथ जाएगा, आप ये जान लीजिए। बाकी आपकी मर्जी, जो करना हो करें, मैंने तो अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।